आने वाले दिनों में 26 इंजीनियर ग्रेजुएट झारखंड पुलिस में सेवा देते नजर आएंगे। आज से हजारीबाग पुलिस अकादमी में नौ नियुक्त 70 पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू किया गया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक, कारा अधीक्षक, जिला समादेष्टा एवं प्रोफेशनल पदाधिकारी शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों में आधे से अधिक प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं। कहा जाए तो झारखंड पुलिस को अब प्रोफेशनल कोर्स किए हुए पदाधिकारी मिलेंगे। 2 साल के ट्रेनिंग के बाद ये अपनी सेवा राज्य के अलग अलग हिस्से में देंगे। झारखंड पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण अनुराग गुप्ता ने इन्हें आज संबोधित किया और कहा कि आज से आप लोग झारखंड पुलिस के अंग बन गए हैं। संवेदनशीलता आप लोगों में होनी चाहिए। पुलिस के जीवन में अनुशासन बेहद जरूरी है। कोई भी अभ्यर्थी अगर अनुशासन तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम लोगों को 70 नए पुलिस पदाधिकारी मिले हैं, इनमें 26 इंजीनियर हैं, लेकिन हमारे नज़र में सभी कर्मी सामान्य हैं। सभी को एक जैसा ट्रेनिंग दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर ही तेज तरार होते हैं। आज से नए अभ्यर्थियों की नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। हर प्रोफेशनल का अपना एक हुनर है, अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो हमारे लिए इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट भी इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री का ग्रेजुएट भी इम्पॉर्टेंट है, और एक दो वेटनरी साइंस के भी लोग इम्पॉर्टेंट है। हर उसके लिए जगह है हमारे यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रेनिंग टेक्निकल की हमको कोई ज़्यादा विशेष वो है। सभी DSP जैसा मैंने अपने उसमें भी बोला कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एटीट्यूड और कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन। प्रयास करेंगे कि सभी हमारे प्रोफेशनल्स में करेक्ट एटीट्यूड, करेक्ट डिसिप्लिन, करेक्ट प्रोफेशनल नॉलेज, ये सब चीजें आए, इससे डिपार्टमेंट की सेवा कर सके। हजारीबाग से गौरव प्रकाश, लगातार.in के लिए।